मेहरा ने जो किया तुम उसके लिए परेशान हो रहे हो, या फिर आयलिन तुमसे दोबारा मिलना चाहती है इस बात से? तुम्हें लगता है कि मेरा ये रद्द अमल आयलिन की वजह से है? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारा सामना करने से कतरा रहा हूँ तो तुम गलत हो। हर बात को आयलिन से जोड़ना खत्म कर दो। आयलिन एक परेशान औरत है, बहुत ही मनमोजी, बहुत ही पुरअसरार औरत है। एक न एक दिन सामना होना ही था, सो आज हो गया। सोना के सामने इसलिए खामोश रही कि वो मजीद गुस्से में ना आ जाए, लेकिन वो अपनी जगह ठीक है। उस औरत से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी मुझे, और मेरी छठी हिस गलत नहीं हो सकती। यानी आयलिन निजात की कमजोरी है बुर्जू? ये आपने जिस अंदाज में कमजोरी कहा है ना, मैं सब समझ रही हूँ, और मैं बिल्कुल हैरान नहीं। बुर्जू, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ, क्योंकि तुम जो हो। तो क्या चाहती है वो आयलिन? आयलिन सालों पहले मुझसे कुछ भी मांगने का हक खो चुकी है सारकान। लेकिन कानून के नजरिए से वो मिलने का हक रखती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता सारकान। वो माहिरा से किस मुंह से कहेगी कि वो उसकी असली माँ है? सच बोलने से बोझ खत्म हो जाता है। हर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, तुम अपनी किस्मत से नहीं भाग सकते। तुम्हें क्या लगता है कि निजात किसी और से प्यार करने लगा है? मुझे क्या मालूम हैरी। क्या निजात को सोना से प्यार हो सकता है? सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। सोना? निजात और सोना को एक दूसरे से प्यार हो गया। वो एक कैसे होंगे? क्या माहिरा से वो अपना ताल्लुक छुपा सकेंगे? पापा सोना नाम की लड़की से प्यार करते हैं।